प्याज की मामूली वृद्धि का, कीमतों की मामूली वृद्धि पर ये इस तरीके के नाटक नौटंकी करने वाले और एक नारा लगाते थे कि महंगाई डायन खाए जात है। आज ये महंगाई जो डायन थी यूपीए की गवर्नमेंट के समय, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अप्सरा बन गई है ऐसा लगता है। प्याज के दाम आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के शासन काल में शतक पार कर चुके हैं। जनता इस कमर तोड़ महंगाई से चिंता में है, परेशान है और लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। जनता निश्चित तौर पर इस वर्ष जो पांच चुनाव होने वाले, पांच राज्यों में विधानसभा के इसमें और 2024 के लोकसभा चुनाव में, इन जुमलेबाजों की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, कहीं ना कहीं अब वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों सब्जियों के कुछ रेट में फर्क आए, प्याज के रेट कुछ बढ़ गए, तो उसको लेके हल्ला मचाना शुरू किया। तो मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर में, मांग और पूर्ति के संतुलन को बनाने का काम आपका भी है, और कहीं ना कहीं हर नाकामी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में थोप के आप बचना चाहते हैं। जनता समझ रही है, जनता को मालूम है कि अपने जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस खास मुद्दे पर जिसकी चर्चा गाहे बगाहे बार बार चुनाव आते ही शुरू हो जाती है, और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि उस कनेक्शन को खोजें जिससे पता चल सके कि प्याज की कीमतें क्या इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही इलेक्शन आता है तो प्याज की कीमतों को मुद्दा बनाकर जो बातें कही जाती है उसका क्या है कनेक्शन, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, पहले उनसे मुलाकात कर लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए केएल चौहान जी। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी जी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसे कि हमने बताया कि चुनाव तेज है, सरगर्मियां मुद्दों की है, लेकिन उसमें एक नया मुद्दा अब सामने आ गया है कि प्याज की कीमतें बढ़ गई है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, जहां जहां चुनाव है वहां पर प्याज की कीमतों को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और ठीकरा फोड़ा जा रहा है केंद्र सरकार पर। ऐसे में इन पांच राज्यों में जहां पर बीजेपी विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है उसे जवाब देना पड़ रहा है, तो इस पर चर्चा जरूरी बनती है और इसीलिए ये चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कांग्रेस से जानने की कि आखिर ये प्याज की कीमतों को क्या वो चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है, या ये एक जरूरी मुद्दा है जिसकी चुनाव में भी चर्चा होनी चाहिए। अनिल जी, प्याज की कीमतें बढ़ी है, बाकी मुद्दों के साथ इसे भी आप लोग आगे कर हमलावर हैं भाजपा पर, क्या वजह है, क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? मोहन जी, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ी सी आपकी वॉइस क्रैक हो रही, फिर भी मैंने विषय को समझा है। देखिए, प्याज ही नहीं, आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, तत्कालीन सरकार ने उसको देश में इन्हीं परिस्थितियों के कारण लागू किया था कि कैसे अनाज के खाद्य तेल या सब्जियां इन सबको कैसे कंट्रोल में किया जाए। और 1972 और 78 में आप इसके बीच में देखिए कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार अपनी शक्ति डाइवर्ट करती थी कि आप इन शक्तियों का उपयोग करके अपने राज्यों में इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी कालाबाजारी क्यों बढ़ती है, क्यों इस तरह से आवश्यक वस्तुओं को कहीं एक जगह स्टॉक कर दिया जाता है, मार्केट में एक कृत्रिम संकट पैदा किया जाता है और उसी वस्तु को, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, खाद्य तेल हो, अनाज हो, उसको महंगे रेट पे बेचा जाता है। देखिए, 2010 में भी आपको याद होगा मोहन जी, एक संकट प्याज पे आया था और प्याज के दाम 50 रुपए तक पहुंचे थे। मनमोहन सरकार ने उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और उसने आवश्यक ठोस कदम उठाए और उसके बाद प्याज की दाम को नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यहां मोहन जी आपके ध्यान में और दर्शकों के ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि 2020 में
मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने का फैसला किया और सितंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस विधेयक पर साइन किया और उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त हो गया। वो तो बाद में पूरे देश में हाहाकार मच गया, किसानों ने विरोध किया, सभी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किन उद्योगपतियों को लाभ देना चाहती है, ये क्यों कालाबाजारी को प्रश्रय दे रही है। तब जाके इस एक्ट को विधिवत वापस लाने का काम हुआ, पूरे देश में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में 700 किसानों की जान चली गई। इस तरह की चीजें, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है वो वहीं से साफ होती है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को क्यों समाप्त किया जा रहा था। भैया क्या ऐसी गृहस्थी, किसान तो इतना सारा स्टॉक रखता नहीं है, क्यों किसी को स्टॉक रखने दिया जा रहा था। तो आज देश में जो आवश्यक वस्तुओं का एक कृत्रिम संकट पैदा किया जाता है और उसके बाद ये प्याज तो चलिए बाहर आ जाती है, आप मटर से लेके छोटे छोटे और दूसरे अनाज देख लीजिए, तिल देख लीजिए, खाद्य तेल देख लीजिए, किस कदर महंगाई की चपेट में गए थे। सरसों तेल हम लोग 200 रुपए लीटर से ऊपर खरीद रहे थे। ये जो कुछ चंद अरबपतियों के इशारे पर ये जो पॉलिसीज बनाई जाती है और जो ये कृत्रिम संकट पैदा किया जाता है देश की जनता के सामने, इसको लोकतंत्र में सामने लाना जरूरी है मोहन। लेकिन आप लोग सरकार में हैं, ये बात इतनी आप समझ रहे हैं, अपनी सरकार को बताएंगे, सरकार इसको पकड़ेगी जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो मुद्दा बना रही है इसका। माफी चाहूंगा मोहन जी, थोड़ा सा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये केंद्र सरकार का विषय है और इस पे केंद्र सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दूसरी बात मोहन जी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों प्रदेशों को अगर आप ले लें तो 75% प्याज का उत्पादन वहां होता है और तीनों स्टेट में भाजपा की गवर्नमेंट थी, अभी अभी कर्नाटका में हमारी सरकार बनी है। तो केंद्र सरकार की पॉलिसी और केंद्र सरकार की नीति और नियत से इन प्याज का खासकर संकट पैदा होता है, ये बहुत स्पष्ट है और पूरे देश की जनता भी जानती है। और राज्य सरकार इस मामले में थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकती है अपने स्टेट में जो आयात निर्यात हो रहा है, उससे ज्यादा ये गेंद हमने उठाई और ये चौहान जी की ओर फेंकी। भाई गेंद अब आपके पाले में है, KL चौहान जी, बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, केंद्र सरकार है आप लोगों की और पूरे देश के हिसाब से प्याज के दर तय होते हैं, यहाँ वाले क्या करेंगे। मोहन जी इनका बस नहीं चलता है और ये कहीं कहीं पर ये भी बोलते हैं कि गाय ने दूध कम दिया है तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, अगर कोई बच्चे को चोट लग जाती है दौड़ते दौड़ते तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, अगर कोई रस्सी टूट जाती है किसी बकरी की और वो भाग जाती है तो भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, कोई कुत्ता किसी को काट देता है तो भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहता है। मूल बात यह है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी अभी कांग्रेसी प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे, बहुत दावा कर रहे थे और जैसे कि ये लोग करते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे होते तो फैक्चुअल बात करते कि यहां पर इतने ब्याज स्टॉक किया गया है, वहां पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये फैक्चुअल बातें रहती हैं, हवा हवाई बातें नहीं रहती है, कहां पर किसने स्टॉक किया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या हाथ है या केंद्र सरकार का क्या हाथ है उसको स्टॉक करने में, रेट को बढ़ाने में, ये हमारे को कांग्रेस की कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बताएं। दूसरी बात, आपने महंगाई की बात की तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि इन्फ्लेशन की जो दर है पिछले 9 सालों से इन्फ्लेशन की जो दर है वो लगभग 11 साल में डबल हो रही है, जो इन्फ्लेशन की दर है, और हमारा इनकम पर कैपिटा जो है वो पहले 48,000 रुपए था लगभग, ये 2014 में था और आज 98,000 है, इसका मतलब ये है कि हमने 9 साल में अपनी इनकम को डबल कर लिया है। अब आप ये बताइए कि आप बोलते हैं कि इन्फ्लेशन या महंगाई जिसको बोल रहे हैं आप वो डबल हो गई है, मैं मानता हूं ये, लेकिन 11 साल में हो रही है और हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 9 साल में हो गया है। आप एक चीज को, आज से 25 साल पहले भी प्याज की दर जो थी वो 100 रुपए हो गई थी, शतक हो गया था, उसको क्या बोलेंगे आप, अभी फिर से 100 रुपए हो गया, उसके बाद भी ये आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। और इसमें क्या है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है मेरे भाई, हमको ये बता दें। और अभी जो आप बोल रहे थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो मैं एक बात बता दूं, उसके तोड़ के लिए, उसको और लिबरलाइजेशन करने के लिए उसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने
वन नेशन वन मार्केट चालू किया। ठीक है, तो कुछ रोल नहीं है, सब राज्य सरकार का रोल है, ये माने? नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरा राज्य सरकार का रोल है, लेकिन कांग्रेस जिस हिसाब से इसको राजनीति में पकड़ के लाई है, ये कांग्रेस का दोष है। राज्य सरकार का है नहीं है, ये है ये है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस जिस हिसाब से लेके आई है, और इसमें हमारी तारीफें काबिल है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। सदन में भी आपके बड़े नेता उठ के सिर्फ अंबानी अडानी की बात करने के सिवा और कोई बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि कहां पर स्टॉक किया गया है, किन राज्यों ने किया है, किस पार्टी ने किया है, और पुलिस में रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं लगाई गई, और ये बता दीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो चलता रहेगा कांग्रेस भाजपा, एक समझने की कोशिश करते हैं व्यापारी क्या सोचता है इस पूरे जो गणित को करीब से देखने वाले जो सब्जी मार्केट के अध्यक्ष भी हैं श्रीनिवास रेड्डी जी, वो हमारे साथ हैं। रेड्डी जी, आप बार बार सामने आते हैं जब भी मीडिया आपसे पूछता है कि भाई किसके दाम कितने हो गए, प्याज के इन दामों के लिए आखिर आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? इस बार तो मानसून भी ऐसी स्थिति में नहीं रहा कि कहीं एकदम बाढ़ आ गई हो या कहीं एकदम सूखा पड़ गया हो, फिर उसके बाद ये चुनाव के समय दाम बढ़ने को आप कैसे देखते हैं? अभी तो ठंड है, उतनी ज़्यादा मांग भी नहीं है। देखिए, वस्तु स्थिति यह है कि डिमांड ज्यादा है, आपूर्ति कम हो रही है। वजह क्या है? बरसात भी हुई थी बीच में, फसल थोड़ी खराब हुई है प्याज की, नई फसल आने में अभी समय है, 15 नवंबर के बाद दीपावली के बाद ही नई फसल आएगी, तो ये 15 दिन में ही ये खेल हो रहा है होगा। इसके बाद लेकिन मैं आपको वस्तु स्थिति बताऊं कि थोक भाव, थोक में और जमीन चिल्लर में जमीन आसमान का फर्क है। कल तक 52 रुपए हाईएस्ट गया है और आज 45 रुपए थोक में भाव बिका है, और चिल्लर में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का 60 से 70 जो शतक मार दिए, 100-100 रुपए की बात करें तो फिजूल की बातें हैं, मैक्सिमम 70 रुपए तक बिक रहा है अच्छे से अच्छी क्वालिटी का। और आपको बताऊं, 70-75 भी तो ज्यादा ही है एक गरीब आदमी के लिए, ऐसा नहीं, 50-60 रुपए थोक में आज 45 रुपए है क्योंकि आज गड़िया ज्यादा ही, और चिल्लर में 60-70 रुपए मैक्सिमम। तो और आपको एक बात और यही बता दूं कि नहीं, तो ये प्राकृतिक कारणों से हो रहा है या इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिनको चुनाव में इस मुद्दे को भुनाना हो सकता है, ऐसा भी है क्या? क्या लगता है? नहीं नहीं, निश्चित ये सिर्फ प्राकृतिक कारण है, चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हर तीसरे साल, 2 साल पहले भी यही स्थिति निर्मित हुई थी, ये प्राकृतिक आपदा, इससे कोई लेना देना नहीं, व्यापार राजनीतिक दल अपनी अपनी। पर चुनाव है, चुनाव में ये सवाल तो जनता पूछेगी, भाई जो मैं जो टमाटर है या प्याज है या अरहर की दाल है, सब चीजों को आप जोड़ देते हैं, तो हम लेते कम रेट में थे, कुछ महीनों में 3 महीनों में बढ़ गई है रेट, तो ये तो महंगाई की पिच पर चुनाव होगा, जनता पूछेगी सवाल, क्या लगता है इसके लिए कुछ तो कारण होगा? हाँ, विडंबना यही है कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ हेतु आम जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं वस्तु स्थिति से। अब मैं आज ही बताया, 45 से 50 रुपए अगर थोक में है, चिल्लर में 60-70, इसमें 2 रिटेलर्स का है, चिल्लर बेचने वाले अगर 5-10 रुपए बेचारे धूप में बैठ के बेच रहे हैं, अगर वो तो वे भी एक जायज कहा जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये प्राकृतिक है, इसमें कोई राजनीतिक खेल नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए, ये तो एक फीडबैक है बाजार से जो आया है, लेकिन महंगाई जो है वो इस चुनाव में मुद्दा बनता दिख रही है, कांग्रेस इंतजार भी कर रही है अपनी प्रतिक्रिया की। अनिल चौहान जी, केवल प्याज की बात नहीं है, आप लोग तो सभी चीजों को जोड़ दे रहे हैं, राज्य सरकार का चुनाव है, राज्य के मुद्दों पे चुनाव है, लेकिन केंद्र के मुद्दे भी आप लोग छोड़ नहीं रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, गिनाने से चूक नहीं रहे, क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं? देखिए मोहन जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई थी, चुनाव में उन्होंने अपना घोषणा पत्र लाया था, तो मोदी जी ने 10,000 करोड़ की 3D सभाएं की थी जिसको अदानी जी ने प्रायोजित किया था। उन सभाओं में मोदी जी ने चिक चिक कर कहा था कि 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे। 2014 से 24 आ रहा है साहब, 10 साल में महंगाई कहां पहुंच गई, पेट्रोल डीजल से लेके आलू प्याज से लेके अनाज से लेके, आप सारी चीजों को देख लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो ये प्याज हो या आवश्यक वस्तु जो भी हो, मैं मानता हूं कि इसमें प्राकृतिक आपदा भी आती है जिस तरह से रेड्डी साहब बता रहे थे, लेकिन मोहन जी 2010 में भी ऐसी आपदा थी और 500 टन प्याज पाकिस्तान से आयात किया गया था ताकि कीमतों को एक सीमा में रखा जाए। मोहन जी, महत्वपूर्ण बात यह है, मैं छत्तीसगढ़ में आ जाता हूं, फरवरी 2020 में और 2022 में ब्रिजमोहन जी ने दो बार बयान दिया
कि साहब महंगाई बढ़ गई है तो खाना बंद कर दो, तेल खरीदना बंद कर दो, अनाज खरीदना बंद कर दो, और अगर नहीं तो खरीदो जो रेट है, उसमें हम क्या करें। तो निरंतर में बढ़ने वाली प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जेबें मोटी हो गई है कमीशन खोरी कर करके। इनको महंगाई समझ में नहीं आती, 75 रुपए किलो इनको लगता है हो गया यार, प्राकृतिक आपदा है तो बढ़ गया। केएस चौहान साहब की बॉडी लैंग्वेज और बात आपने सुनी ही होगी। तो देखिए भारत, जब केंद्र में आप बैठे हैं, आपके पास पूरी मशीनरी है, आपके पास एक अनुमान लगाने के लिए मशीनरी है कि कितना रेट जा सकता है, कितना उत्पादन हुआ है, क्या हम मार्केट में भरपाई कर पाएंगे। 3 स्टेट तो है मैक्सिमम प्रोडक्शन करने वाले, तो क्या केंद्र सरकार का वो सिस्टम फेल है, या जो काला बाजारी कर रहा है और उसको नहीं रोक पा रहे हैं वो सिस्टम फेल है। लेकिन साहब फेल तो केंद्र की सरकार है ना, ये तो स्पष्ट बात है। और आप प्याज बस की नहीं है, तेल के दाम क्यों इतने बढ़ गए साहब। आज खाने का तेल देख लीजिए आप, 200-250 रुपए किलो सरसों तेल बिका है। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी एक एक विशेष समयावधि में अपने पूंजीपति कुछ 4-5 अरबपतियों को जिस तरह कमवाती है प्रायोजित ढंग से, उसी का परिणाम है कि अदानी जैसे उद्योगपतियों के अरबपतियों की संपत्ति रॉकेट की रफ्तार में बढ़ती है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तो साहब एक ही का होता है, साथ सबका लिया जाता है। उसी का परिणाम है कि देखिए फर्क देखिएगा, 26 करोड़ लोग केंद्र में गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 3 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। यह नीति और नियत का फर्क होता है। इनके यहाँ अदानी धनाढ्य होता है, हमारे यहाँ गरीब आदमी, एक जरूरतमंद आदमी 1,75,000 करोड़ जनता के जेब में। आपका सवाल, आपका सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। के एस चौहान जी, ये देखिए कांग्रेस का कहना है प्याज से जो लड़ाई शुरू हुई थी, महंगाई, महंगाई से अडानी, अडानी तक पहुंच गए हैं, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, क्या कहेंगे, लेकिन इन सब बातों की चर्चा है जनता में। देखिए सीरियस बात तो ये है मोहन तिवारी जी, कि रेड्डी जी के वक्तव्य के बाद, स्टेटमेंट के बाद, इस डिबेट की सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि हम तो राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन जो ये मार्केट में रहते हैं 24 घंटे, और वो इस चीज को बहुत बखूबी से देखते हैं, इन्होंने सभी चीजें स्पष्टता बता दी है कि 10 से 15 दिन के लिए ये सब चीजें का खेल है, और मार्केट में ये सब चीजें होते रहती हैं। चूंकि ये चुनावी माहौल है, इस वजह से ये चुनावी मुद्दा को उठाया जा रहा है। एक आम इंसान बोल रहा है, एक आम जनता जो है, जिसको ना कांग्रेस से, ना किसी और दल से, ना तीसरे से कोई लेना देना है, वो ये बोल रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अभी अभी हमारे अनिल चौहान जी बोल रहे थे कि अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चल जा चुकी है। तो मैं ये बता दूं मेरे भाई, हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वें स्थान पे है, जो कि यूपी की सरकार का कर्जा था 2014 तक, अभी 160 लाख करोड़ हो गया है, यही मजबूत हुए हैं चौहान जी। फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, फिर आप बीच में बोलते रहते हैं। 5 लाख करोड़ आपका, आप एक तो स्पष्ट पेट्रोल डीजल के दाम 100 से ऊपर चला गया, ये आपके समय में कोई बोलता नहीं है, और आप दूसरे के समय बोलते रहते हैं। आप बोलने देते हैं ना, सही सही बातें करते हैं। 100 दिन में आप ये बताइए कि कोरोना के बाद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ आया है वो हम नहीं बोलते हैं, कमीशन खोरी की, अदानी को रईस बनाने का काम किया, नगरनार जैसे प्लांट बनाए और उसको अदानी को बेचने का षड्यंत्र करते हैं, एयरपोर्ट बेच दी, रेल बेच दी, आपने तेल बेच दिया, सब तो बेच दिया साहब, पूरे प्रदेश में आप छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए खदानों को आप लगाएंगे अदानी को। अनिल जी आएंगे आपके पास, आएंगे। आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं अनिल जी, लेकिन आप बीच बीच में बोलते हैं ना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। आपको स्पष्टता से हम सुनते हैं और आप ऐसे ऐसे बीच में बोलते हैं। अनिल जी बोल लेंगे, बोल लेंगे, अच्छी बात नहीं है। केएस जी बोल रहे हैं, अच्छी डिबेट चल रही है, उसको अच्छे अच्छे चलने दीजिए। तर्क दीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर चल रही है, उस पर हाँ उस पर बात हो रही थी। चलिए अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, फिर छत्तीसगढ़ चुनाव पे भी आइएगा। हाँ छत्तीसगढ़ चुनाव में हम तो जहां बोलो आप, हम वहां आने के लिए रेडी हैं। आप बोलोगे कि वहां पर भारत की अर्थव्यवस्था बोलो, वहां पर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव बोलो, वहां आ जाते हैं। प्याज बोलो, वहां चले आते हैं। आलू बोलो, वहां चले जाते हैं। गाय का दूध बोलो, वहां चले जाते हैं। मेन बात यह है कि कोरोना के बाद पूरे विश्व में विश्व इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ये सर्टिफिकेट दे चुका है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो नंबर वन पे है आफ्टर कोरोना। दूसरी बात, इतने ज्यादा भयावह स्थिति होने के बाद 120 करोड़ लोगों को मुफ्त इंजेक्शन, कोविड का इंजेक्शन लगाने के बाद
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था पांचवें स्थान पे पहुंच गई, ये अपने आप में तारीफे काबिल की बात है। और दूसरी बात, लोहा मान रहे हैं आज पूरे पूरे विश्व में हमारे को लोहा। आज जो हमने ग्रोथ की है, आज जो हम सड़कों की हालत देखें तो हम पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे हैं, जिसको चाइना को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, सिर्फ अमेरिका से एक पायदान हम नीचे हैं। और दूसरी बात, विकास के नाम पे हमने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं पिछले 9 सालों में। आप एक भी केस बता दीजिए, इसका फैसला तो तिवारी जी, पिछले 9 सालों में मैं चैलेंज करता हूं कि आप मेरे को एक भी केस बता दीजिए कि जमाखोरी के लिए केंद्र सरकार ने 7 करोड़ सड़क घोटाला है। मैं बताऊंगा मोहन जी, इनको जवाब दूंगा आपको। मैं बता दूं, 20 करोड़ में जिस सड़क का टेंडर होता है प्रति किलोमीटर, वो 250 करोड़ पहुंच जाती है। 20 करोड़ इस तरह से चलता है इनका निर्माण। और अदानी को संपन्न बनाने के लिए नगरनार बना दिया जाता है, उनके गोद में सौंप दिया जाता है। ये बात कर रहे हैं महंगाई की। और जो स्मृति ईरानी जी 400 रुपए से कम सिलेंडर को सर पे रख के नाचती थी, वो आज 1200 पहुंच गया था, 1200-1300 में आप रुकते रहे सेंटर में। अनिल जी, आपसे सवाल दूसरा है, ठीक है? चौहान जी आ गए, किराए पे लेके आ गए, ठीक। चौहान जी की बात आ गई। क्या अनिल जी, क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव में केंद्र के मुद्दे हावी हैं? उन मुद्दों पे आप लोग लड़कर जो बीजेपी है उसको बैकफुट में ढकेलना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे चर्चा कम हो इसलिए केंद्र के मुद्दों की एंट्री हुई है क्या? अनिल जी माफी चाहूंगा मोहन जी। अनिल जी, कांग्रेस क्या इसलिए केंद्र के मुद्दे ज्यादा ला रही है ताकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों पे चर्चा कम हो? चलिए अनिल जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जब तक रेड्डी जी से समझ लेते हैं। रेड्डी जी, ये भी सही है कि भले ही प्राकृतिक कारण से हो, पर सरकारों को भी तो ये सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों के जिसकी कीमतों से सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, उसके लिए व्यवस्थाएं किए करें। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे क्या? केंद्र और राज्य की भूमिका इसमें कैसी होनी चाहिए ताकि कीमतें नियंत्रित रहें? केंद्र सरकार का दायित्व तो है और वो अपना दायित्व तो निभा भी रहा है। तुर्की से उसने अनुबंध किया है और एक बड़ी क्वांटिटी में लगभग सप्लाई हो रही है कि बाजार में खपत हो, यहाँ पर पहुंचे और रेट मेंटेन हो। दूसरा, एक राज्य सरकार का भी, एक स्थानीय जिला कलेक्टर का भी एक दायित्व बनता है इसमें। अगर रेट असामान्य रूप से अगर वृद्धि हो रहा है तो वो छापेमारी करें, थोक वालों के यहाँ, रिटेलर्स के यहाँ, सबके यहाँ छापामारी डाले। अगर आपके 50 रुपए अगर प्याज पड़ रहा तो चिल्लर में 80 क्यों बेचा जा रहा है? चिल्लर वाले लोग के ऊपर भी दबिश दिया जाए, थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसके कारण भुगत रही है आम जनता और बदनाम हो रही है सरकारें, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट फूड डिपार्टमेंट जो है उसको भी सड़क में आना चाहिए और दबिश देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई तो करनी चाहिए, पर क्या ये जनता क्या समझती है? जनता इसको किसी को, इस तरीके की महंगाई के लिए किसी को जिम्मेदार मानती है क्या, केंद्र या राज्य को? आपके पास तो कई लोग आते होंगे, फीडबैक क्या आता आपके पास? जनता जनार्दन पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, कहाँ क्या हो रहा है सब समझते हैं, और किस कारण हो रहा है ये भी सब जनता समझती भी है वैसे। ठीक है, चलिए जनता समझती है। अनिल जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या केंद्र से जुड़े हुए मुद्दे, जिसमें ये प्याज है, महंगाई है, दाल है, सबके दामों को लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ रहा है वो भी ये बात भाषणों में बोल रहा है, तो कांग्रेस क्या राज्य के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केंद्र के मुद्दों पर ज्यादा वार कर रही है? यही वजह है क्या कि मुद्दे पे ध्यान ना जाए राज्य वाले मामले में? देखिए मोहन जी, कांग्रेस कोई ध्यान नहीं बटा रही, ये सबसे अहम मुद्दा है देश में। आज देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ आज आप देखिए पूरे देश में 83% लोगों की आमदनी घटी है प्रतिदिन की, 83% लोगों की आमदनी घटी है, और 2-3% लोग हैं जिनकी आमदनी बढ़ी है, और वो कौन लोग हैं आप समझते हैं? और उसमें से 2-3% में 2-3 लोग हैं जिनकी रॉकेट की तरह आमदनी बढ़ी है, और एक आम आदमी जिसको रोज तेल और प्याज खरीदना पड़ रहा है वो अपना दर्द जानता है। बात यहाँ कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात यहाँ लोकतंत्र की है, कानून की है, और कानून व्यवस्था और आवश्यक वस्तु अधिनियम को कौन इंप्लीमेंट करेगा ये प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकार है केंद्र की सरकार को किन वस्तुओं को पुनः आवश्यक वस्तु अधिनियम में जोड़ना है, किसको हटाना है, और
1972 से 78 तक जो अधिकार राज्य सरकारों को प्रदत्त करती है केंद्र की सरकार, वो भी उसकी अनुमति से राज्य सरकार तब छापेमारी करती है और उसको फिर अधिनियम के तहत शक्ति मिलती है। और आज केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है, या मैं सीधे तौर पर आरोप लगाऊंगा कि कुछ अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत्रिम कमी पैदा की जाती है और उनको लाभ। लेकिन आप ये बताइए कि कई तरीके के मुद्दे होते हैं, युद्ध होता है तो कई तरीके की गोलियां चलती है, अस्त्र चलते हैं, उसमें से एक अस्त्र ये भी है, जवाब क्या है आपके पास? अरे लेकिन ये कोई अस्त्र थोड़ी ना है तिवारी जी। आज एक बात बताइए कि सबसे जो अहम जो सवाल है वो है, ये है कि महाराष्ट्र में 58 रुपए पर केजी अभी भी बिक रहा है प्याज, आपके राज्य में क्यों सबसे ज्यादा बिक रहा है? मैं समझता हूँ सारे लोग समझते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आपके राज्य में क्यों ज्यादा बिक रहा है और कैसे देश को बर्बाद कीजिए, कैसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे कि हमारे रेड्डी जी नहीं है, रेड्डी जी मुद्दों पे चाहे वो प्याज हो, चाहे तेल हो, चाहे खाने की छोटी छोटी चीजें हो, इनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 2014 से जो भ्रम का वातावरण इस देश में बनाकर रखे हैं उसके लिए जनता इनको जरूर दंड देगी। ये आने वाला वक्त बताएगा, अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव में आप इसका असर देखेंगे चाहिए, जो कि वो कंट्रोल में नहीं कर पा रही है, इस वजह से यहाँ पर ये जो प्याज के रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। लोकल प्रशासन का भी अपना अपना दायित्व होता है, वो उसको भी अपना अपना दायित्व समझना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो रेट बढ़े हुए हैं तो बाकी राज्यों में भी बढ़ने चाहिए थे, क्यों नहीं बढ़ रहे? आपके 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 पड़ोसी राज्य में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपके 58 पर केजी कैसे हैं? आपके राज्य में ज्यादा कैसे हैं? इसका जवाब कौन देगा? समय कम है, जल्दी 30 सेकंड में चौहान जी, अनिल जी कौन देगा इसका जवाब? अनिल जी, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार देखिए, राज्य सरकार जो आवश्यक होगा वो कदम उठाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारों का जहाँ नियंत्रण है, राज्य की सरकार हमारे देख लीजिए आप, चाहे चावल का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, कैसे हमने वनोपज की खरीदी में आप देखिए 75% भागीदारी छत्तीसगढ़ की है, चाहे आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, उसकी जेब में कैसे सरकार ने पैसा डालने का काम किया और इन्होंने पूंजीपतियों के जेब में कैसा पैसा डालने का बहाना किया, चाहे प्याज हो, चाहे नगर नार जैसे प्लांट हो, इसको देश की जनता और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। मैं माफी चाहूंगा कि कई विषयों पर मैं पूरी तरह केस चौहान साहब को सुन नहीं पाया, नहीं तो मैं माकूल जवाब देता। और मैं समझता हूं कि 7 और 17 कुछ प्रदेश की जनता इनको माकूल जवाब देगी कि कैसे ये प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारे लोग जागरूक हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भोली हो सकती है, भूख नहीं हो सकती है। बिल्कुल चलिए, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये एक चुनावी मुद्दा बनकर सामने आया है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश दोनों पक्षों से हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये भी होगी और दर्शकों को भी हम ये उम्मीद रखेंगे कि प्याज की कीमतों को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता भी बढ़ते, कुछ जगहों पर सस्ती दुकानें भी खुली हैं, वहां से लें और इंतजार करिए, कुछ दिनों में शायद ये दाम कम भी हो सकते हैं, ये प्राकृतिक आपदा का असर भी है, लेकिन चुनावी माहौल है इसलिए चुनावी नजरिए से इस पर आज हमने चर्चा की है। तो समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ टी श्रीनिवास रेड्डी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौहान जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ KS चौहान जी ने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करेंगे और आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।